नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। आज देश का आम बजट पेश हो गया है। मोदी सरकार पार्ट टू का ये पहला बजट है जिसे देश की पूर्णकालीन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया। इस बजट में बहुत कुछ खास रहा, ऐसे अगर आप सीधे शब्दों में समझें, जिस पर हमारी और आपकी सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि इस बजट से क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, इसके लिए आप लाइव सिटीज़ के दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं तो देश भर में महंगाई इस बजट के बाद बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो पेट्रोल और डीजल देश में महंगा होने वाला है। इसकी वजह से देश में जितने भी सामान आप दुकान से खरीदते होंगे वो सब भी महंगे हो जाएंगे। साथ ही सोने चांदी जो बहुमूल्य सामान हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, उस पर भी सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझें कि इनकम टैक्स से आपको इनकम टैक्स में क्या इस बार आम बजट में रियायत दी गई है, तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो एक मध्यवर्गीय लोगों के लिए स्लैब है, 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तक वाला जो स्लैब है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो उस स्लैब में चेंजिंग है, उस स्लैब पर अब आपको 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच की अगर आपकी कमाई है सालाना, तो उस पर अब 3% से लेकर 7% तक का सरचार्ज देना होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे उतना ज़्यादा आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। इस आम बजट की दूसरी बड़ी बात यही है। इसके बाद आप अगर बैंक से जितना ज़्यादा कैश पैसे का ट्रांजैक्शन करेंगे आपको उतना ज़्यादा ही टैक्स भरना होगा। अगर आप साल में बिजनेसमैन और 1 करोड़ से ज़्यादा कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2% TDS भरना होगा। अब यह एक सरचार्ज लगा दिया गया है कैश ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए। मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बड़ा ऐलान है इस आम बजट में। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं और 45 लाख रुपए तक का घर खरीदना चाहते हैं तो उस लोन पर आपको तकरीबन 3.5 लाख रुपए की छूट मिलने वाली है। पहले यह छूट 2 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख रुपए कर दिया है। 15 साल के लिए आपको 45 लाख रुपए का लोन लेना होगा। अगर आप यह लोन लेते हैं तो आपको अब 3.5 लाख रुपए की छूट मिलने वाली है। जितनी बड़ी जो कंपनी होगी उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से देश के लगभग 99% बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा राहत दे दी गई है। महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास रहा। पहली बार नारी से नारायणी तक का जिक्र किया गया और निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि हमारे सरकार की प्रायोरिटी है कि इस देश के गांव की महिलाओं को सुदृढ़ करें, उन्हें उनका मनोबल बढ़ाएं। उसके लिए जनधन खाते से जिस महिला का अकाउंट खोला गया है वह अब अपने खाते से 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट कर सकती है। मतलब उनके खाते में जितना भी पैसा हो उससे आप 5,000 रुपये और जोड़ दीजिए, वह पैसा निकाल सकती हैं। साथ ही मुद्रा लोन की व्यवस्था भी कर दी गई है। महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन अब मिल सकता है। साथ ही सरकार आदर्श किराया कानून भी बनाने जा रही है। बहुत दिनों से यह बात चल रही थी कि जो मकान मालिक किराए पर मकान लगाते हैं या जो किराएदार रहते हैं उनके लिए कोई कानून देश में बने, तो सरकार अब आदर्श किराया कानून भी बनाने जाएगी। इसका भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद देश में चर्चा इस बात की भी सबसे ज़्यादा हो रही थी कि NPA बढ़ रहा है लगातार। नन ऐसे लोन जो कोई लौटाता नहीं है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम इस देश के अंदर आए जो अभी बाहर हैं, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ऐसे कई नाम थे जो बैंकों का पैसा लेकर चले गए। तो पिछले साल की तुलना में इस साल देश का NPA कम हुआ है। सरकार ने यह बात सदन में कही है। देश के किसानों को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी कि किसानों के लिए क्या किया जाएगा। तो सरकार की कोशिश है कि 0 लागत पर किसानों को पूरा बजट लाया जाए कि उनकी लागत 0 की तरफ जाए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। हालांकि मोदी सरकार लगातार कह रही है कि वह किसानों के इनकम को 2 गुने करने में लगी हुई है और उनकी जो कोशिश है उसमें ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन अब निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि हम किसानों को ऊर्जावान बनाएंगे। मतलब अगर किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाए और उससे वह बिजली बेचे तो वह बिजली भी सरकार खरीद सकती है। साथ ही अगले 5 वर्षों में 10,000 संगठन बनाने का प्लान है। सरकार किसानों को समय समय पर
बजट देती रहेगी और साथ ही लोन की भी अलग अलग माध्यमों से व्यवस्था की जाएगी। तो किसानों के लिए ये बड़ी खबर है इस बजट में। साथ ही अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो 59 मिनट में, यानी सरकार की कोशिश है कि एक घंटे के अंदर आपको लोन दे दिया जाए। या लोन की राशि बहुत ज़्यादा नहीं होगी और ये अलग अलग सरकारी स्कीम के माध्यम से आपको लोन मिल सकती है। तो सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि छोटे दुकानदारों के लिए, जो खुदरा दुकानदार हैं, उन्हें 59 मिनट के अंदर लोन दे दिया जाएगा। साथ ही बीमा सेक्टर में अब 100% FDI की मंजूरी दे दी गई है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें FDI को लाया जा रहा है। इसमें एविएशन है, भारत में एविएशन इंडस्ट्री के हालात काफ़ी खस्ता हाल हैं, जिसे लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या FDI लाया जाएगा, तो उसमें अब 100% FDI के बारे में सरकार विचार कर रही है। मीडिया लाइन में भी 100% FDI की घोषणा हो गई है। एनिमेशन मार्केट जो है उसमें भी 100% FDI की घोषणा हो गई है। ABGC और इंश्योरेंस, मतलब कि बीमा कंपनियों में भी अब 100% FDI की घोषणा हो गई, मतलब विदेशी निवेश अब इन कंपनियों में हो सकता है। तो आप एक तरीके से दूसरे अर्थों में इसे समझें तो बीमा जो है वह सस्ता होने वाला है देश में, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनियां यहां आएगी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने की होड़ में बीमा सस्ता हो सकता है। टैक्स स्लैब में इस बार भी कोई बदलाव नहीं है, सरकार ने टैक्स स्लैब को बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, लेकिन सरकार ने करदाताओं को बहुत बड़ा थैंक यू जरूर बोला है कि देश के करदाता लगातार बढ़ रहे हैं और वो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। सरकारी बैंकों के खस्ता हाल से भी सरकार परेशान थी, तो सरकारी बैंकों के लिए सरकार मुआवजा पैकेज लेकर आ गई है। 70,000 करोड़ रुपये का सरकारी बैंकों को सहायता राशि दी जा रही है, जिससे वो जो लोन है उससे उबर सके। और जो लगातार कहा जा रहा था कि सरकारी बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब है, NPA की वजह से यह हालत ख़राब हो रही है, तो अब सरकारी बैंकों को एक मुआवजा पैकेज मिल गया है। इस पैकेज के मिलने के बाद देश के सरकारी बैंक और ज़्यादा मजबूत होंगे। तो सीधे शब्दों में आप इस बजट से यही समझें कि इस बजट में बहुत ज़्यादा राहत वाली कोई खबर नहीं है। टैक्स स्लैब को में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर को 1 रुपया महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वहीं तंबाकू उत्पाद के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। ये अमूमन हर साल हर बजट में ही होता आया है कि तंबाकू प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, इन सब के दाम अब बढ़ जाएंगे, ये सब महंगे हो जाएगा। ये था आसान शब्दों में बजट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।